अस्सलाम वालेकुम। मेरा सफ़र हुंजा टू पिंडी इस स्टार्ट है। मैंने सवारी वाली वो गाड़ी किया है, अभी सवारी आएंगी, उसके बाद मेरा सफ़र होगा स्टार्ट। हाँ, मुझे अपने ज़रूरी काम के लिए हुंजा से पिंडी जाना पड़ रहा है और ये मेरा पहला सफ़र है। और मैंने कहा मैं इसको साथ साथ कवर करती जाऊंगी। आज मौसम बहुत क्लाउडी है बिकॉज़ कल सारी रात बारिश होती रही है और हमें अभी अपडेट है कि जगह जगह कहीं ना कहीं से वो लैंड स्लाइड है। तो खुदा तला खैर रखे, सफ़र स्टार्ट है हमारा। अभी इस वक्त भी वैली बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी ये है कि होपफुली मेरे एक हफ्ते का ट्रिप है, जब मैं वापस आऊँगी अल्लाह खैर रखे तब तक ये ग्रीन हो जाएगा। पिंक और ये वाइट ब्लॉसम की तरह लग रही है, बहुत खूबसूरत व्यू कर रही है ये। चलता सा जैसे महसूस हो रहा है ये सामने रोड के ऊपर कोई हाइस है, और ऑब्वियसली यहाँ पे हाइट पे कहीं पे जाके कोई ये विलेज होगा। और ये बहुत फैसिनेटिंग सा लग रहा है मुझे बिकॉज ये तो सड़क बाकायदा बनी हुई है जिस पे इस टाइम ये के कैश पे हम हैं। इसके पीछे ग्लेशियर इन बादलों के पीछे छुपा हुआ है। पूरी वैली यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू कर रही है कि हमारी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, ऐसी मैं कवरेज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सम गुड वीडियोस। पूरा सफ़ेद सफ़ेद पिंक पिंक से दरख्त, ये इनफेक्ट फलों के ही होते हैं क्योंकि सबसे पहले वो दरख्तों पे ये फूल आते हैं, इस पे वो सेब पे वो चेरी पे,
खुबानी पे, और इसकी खूबसूरती इस वक्त के बढ़ा देती है ये। सूरज की वजह से यहाँ पे ज़्यादा जल्दी स्प्रिंग स्टार्ट हुई है। पूरी बड़ी के दरख्तों पे ये पत्ते वगैरह आ गए, आगे जाके और अच्छा भी नज़ारा इसका। ये गिलगित के पास है, जगलोट जंक्शन है। यहाँ से स्कर्दू के लिए आप इस वे से जाएंगे।
ये जंक्शन है जी, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं आ रहा बिकॉज गाड़ी चल रही है। ये केके से यहाँ आते हुए केके पे ही अब हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तीन जो अजीम पहाड़ हैं, जो तीन पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इसमें इन्होंने यहाँ पे साइन सा बनाया हुआ है और हमारे ड्राइवर ने हमें बहुत फेवर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप वीडियो बना लें, तो जनाब जी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आई हूँ। पानी यहाँ पे है, ओह इट्स ब्यूटीफुल। ये तीन पहाड़ यहाँ पे मिल रहे हैं, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी डिटेल इसकी। बेशक ये बहुत खूबसूरत जगह है। ओहो हो, इससे पहले मैं कभी इस तरह से रुकी नहीं हूँ, हालांकि हम बहुत दफ़ा गुजरते हैं, लेकिन जो छोटा सा इन्होंने यहाँ पे कैफेटेरिया सा बनाया हुआ है, और इट्स रियली ब्यूटीफुल। अस्सलामुअलैकुम, हम लोग तीन जंक्शन पे बैठे हैं। ये तीन जंक्शन का मकसद ये है कि मैम ये हमारा हिमालय जा रहा है, ये वाला पहाड़ हिमालय की तरफ जाएगा, वो वाला पहाड़ कराकोरम की तरफ जाएगा, ये वाला पहाड़ जो है ये हिंदुकश के लिए जाएगा मैम, इंडिया के लिए लग जाएगा, वो चाइना के लिए लग जाएगा, ये हमारा पाकिस्तान के लिए लग जाएगा मैम। थैंक्स मैम। थोड़ी आवाज़ कर देना बच्चे आप। ये फेरी मेडो है जनाब, अभी बादलों में छुपा हुआ है। आगे जाके थोड़ा साउंड क्लियर होगा, लेकिन बादलों में छुपा रहेगा। ये जी हम लोग तत्ता पानी, यहाँ पे तकरीबन 100 फुट लंबी शायद सड़क है और यहाँ से हम गुजरते हैं। और ये यहाँ की स्पेशलिटी और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जगह जगह यानी वो चश्मे हैं और उनसे गर्म पानी, बिल्कुल खोलता गर्म पानी, यानी इवन
आप अंडे भी रखें तो वो आलू अंडे सब उबल जाते हैं। तो ये पूरा इलाका थोड़ा ही यानी ये लैंड थोड़ा ख़तरनाक साहब है। और एक अगर हम यहाँ पे फिज़िकली फील करते हैं तो यहाँ पे हवा में थोड़ी स्मेल सी जैसे लाइक सल्फर सी कुछ ऐसी मिनी केमिकल से कुछ ऐसी स्मेल से भी फील होती है। बस आ गया। ये देखें जी तत्ता पानी के धुएं। ये हमारे साथ साथ पानी चल रहा है जो चश्मों से निकला है। और ये हालांकि अभी इतनी गर्मी नहीं है, हवा में वो ठंडक है, पानी से फैजियाब हो रहे हैं। ये हम लोग चिलास में हमने कहीं पानी चाय के लिए स्टे किया और इतना प्यारा यहाँ से लग रहा है बिकॉज बिल्कुल धुले हुए नए नए पत्ते स्प्रिंग के साथ आए हैं। वैली बड़ी खूबसूरत लग रही है। चिलास यहाँ के लिए चिलगोज़े यहाँ के बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं और वैसे भी बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ओवर किया है, थोड़ी वो चाय चाय पियेंगे। और ये यहाँ पे हम जगह होटल का मुझे नहीं पता, बस हम आ गए हैं तो जल्दी से अंदर, लेकिन ये कि बस साफ़ सुथरा है, ठीक है, वाज भी सर। ये जी हमने फेमस चाय का पोज तो ले लिया है, लेकिन अब बात यह है चाय इतनी मज़ेदार नहीं है। बहरहाल सफ़र में थोड़ा बहुत तो पीना ज़रूरी है, बाकी स्वाद नहीं आया चाय का। चाहे जनाब हल्की सी भूख में, ये मुझे ये माश की दाल रस्ते में पसंद आई, ये मैंने ऑर्डर किया और लुपा मैंने लिया है। मज़ेदार है, ठीक है, ज़बरदस्त।